वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एस्पायरेशन निमोनिया के बारे में। एस्पायरेशन निमोनिया यानी जब भी कुछ खाते टाइम पीते टाइम अगर कोई भी चीज़ इंस्पायरेशन के दौरान, जो कि यूजुअली इनहिबिट हो जाता है, किसी वजह से अगर ट्रैकिया में एंटर हो जाए तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज एस्पायरेशन निमोनिया। सो इसकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे होती है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम में यानी जब एयर एंटर करती है नोज़ नॉस्ट्रल्स के थ्रू रेस्पायरेटरी ट्रैक में, एयर एंटर इनटू द कंडक्टिंग एयरवेज। ठीक है, कंडक्टिंग एयरवेज यानी जो नोज से लेकर ट्रैकिया तक और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक 16th जनरेशन तक एयर को अंदर एल्वियोलाई तक लाने का काम करता है, दैट इज़ द कंडक्टिंग एयरवेज। इसे डेड स्पेस एरिया भी बोलते हैं और यहाँ गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं होता। सो दिस एयर मस्ट पास थ्रू द ग्लॉटिस। ये एयर जो है वो ग्लॉटिस से पास करती है। बेसिकली ग्लॉटिस क्या चीज़ है? ग्लॉटिस एक ऐसा एरिया है जो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स के बीच में होता है। तो जब इंस्पायरेशन होता है तो एबडक्टर मसल्स इन लैरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अर्ली इन इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स पुल हो जाता है दूसरी तरफ एंड ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ओपन होने से फाइनली ड्यूरिंग स्वेलोइंग रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडक्टर मसल्स। यहाँ ध्यान रखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले जो एबडक्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो एयर जो है वो ग्लॉटिस में अंदर एंटर होती है। ठीक है, और रिफ्लेक्स यानी जब आप इंस्पायर कर रहे हैं या आप जब स्वेलो कर रहे हैं तो जो माउथ में कोई भी चीज़ है, चाहे वो सलाइवा है या कोई फूड पार्टिकल है, वो ट्रैकिया में जाने से कैसे रुकता है? रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडक्टर मसल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लोज द ग्लॉटिस, तो ग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है एंड प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ फूड या फ्लूड और वॉमिटस इनटू द लंग्स। और ये प्रोसेस जो है किसी भी फूड पार्टिकल को या फ्लूड को या वॉमिटस, कई बार जब उल्टी करते हैं उस टाइम पे भी ये जो एस्पिरेटेड पार्ट है इनको लंग्स में जाने का खतरा रहता है, तो वो रुक जाता है। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हो, ग्लॉटिस अगर क्लोज नहीं हो बट इन अनकॉन्शियस और एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट, ऐसा किस में देखने को मिलता है? जैसे कुछ पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो या किसी को एनेस्थीसिया दिया गया हो तो उस कंडीशन में ग्लॉटिस क्लोजर मे बी इनकम्प्लीट। तो वो कम्प्लीटली ग्लॉटिस जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा एंड द वॉमिटर्स एंटर इनटू द ट्रैकिया। और उस समय जो भी पार्टिकल है फूड कंटेंट, अगर वो वॉमिटर्स माउथ में वापस आता है तो उसके ट्रैकिया में जाने का डर हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है लंग्स के अंदर और इसे बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। सो आई होप एस्पायरेशन निमोनिया से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता पाएंगे कि ये क्या प्रोसेस। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा और इसी तरीके से समझ में आया और तो इसी तरीके के और चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम लिंक ऑल्सो। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।